फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बेबी चौबे और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आज हम आलू का तिलौरी बनाने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा आपको आलू का तिलौरी खाने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आलू का तिलौरी बनाना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आलू का तिलौरी बनाना। तो हम यहाँ पर 2 केजी आलू लिए हैं, जिसका छिलका हम निकाल लिए हैं। अब बहुत अच्छा से हम इसे साफ कर लिए हैं। तो अब इसे क्या करना है कि कुकर में हमें डाल देना है। बहुत स्वादिष्ट होता है, आप चावल दाल के साथ खा लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसे कुकर में डाल देना है। कुकर में हम पहले से 3 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसे पूरा गीला करना है। बहुत ज़्यादा सीटी लगवाना है, कम से कम हम 5-6 सीटी लगवाएंगे। तो चलिए हम इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, आलू हमारा बॉयल हो चुका है। तो हम इसे बहुत महीन करेंगे। इसे हाथ से कर लीजिए या कटोरी से भी महीन कीजिए, बहुत महीन इसे करना है। 1 भी इसमें गांठ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमें महीन करना है। ये देखिए, तो हम महीन इसे मैश कर लिए हैं। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक अपने अंदाज से डाल लें, आप जितना आलू लिए हों उस अनुसार इसमें नमक डाल लें। और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डाल लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मंगरैल डालेंगे, यानी कि कलौंजी। और इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो आप जितना तीखा खाते हो उस अनुसार आप डालिए। तो इतना हम डाल रहे हैं, अपने अंदाज से हम डाल रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है ये आलू का तिलौरी खाने में। और 1 चम्मच के अनुसार हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप खाने वाला सोडा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। तो अभी से हम मिला लेंगे। मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स डाले हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगता है खाने में, टेस्टी बहुत लगता है। तो आप एक बार जरूर बनाइए और हमारे रेसिपी के अनुसार ये आलू का तिलौरी आप बना के खा सकते हैं। अब हम धूप में चलेंगे और किसी भी अच्छे साफ कपड़ा पर हम इसे इस तिलौरी बनाएंगे इसका। चलिए हम चलते हैं तिलौरी बनाने के लिए। ये देखिए, हमें पानी की सहायता से हाथ में पानी लगा लगा कर इसको हम बना रहे हैं। तो आप छोटे छोटे तिलौरी पार सकते हैं। आलू का बहुत टेस्टी होता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। और इसे हम धूप में बना रहे हैं छाते लगा कर, और 2 दिन इसे सुखाना पड़ेगा क्योंकि धूप तेज है, 2 दिन में सूख जाएगा, बिल्कुल खाने जितना हो जाएगा। ये देखिए, हम इसे सुखा लिए हैं और हमारा जो तिलौरी है तैयार है। हम इसे 2 दिन तक सुखाए थे, तो हम इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को हमें बहुत गर्म करना है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तिलौरी को डाल देंगे और इसे हम बराबर से चलाएंगे। ये देखिए कैसे हमारा फूट रहा है, अच्छा से फूल रहा है ये। हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए,
तिलौरी हम भून लिए हैं, ये चावल दाल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो आप हमारे रेसिपी के अनुसार ज़रूर बनाइए ऐसा तिलौरी, और एक बार बनाकर हमें कमेंट में ये बताएं कि हमारा ये तिलौरी आलू का आपको कैसा लगा। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।